हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तंत्र व तलवार के धनी महाबली भोकाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स मृत्यु योग का दूसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। आंसू भर आए थे मासूम अंकित की आंखों में, लेकिन योगेश्वर की आंखों में मक्कारी के सिवा कुछ नहीं था। इस घमंडी को मेरे सामने झुकाकर काल कुंडली ने गुरु दक्षिणा दे दी, परंतु इससे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की मेरी अग्नि अभी ठंडी नहीं हुई है। मैं इसे इतना अपमानित करना चाहता हूं कि अपने अपमान से घबराकर यह आत्महत्या कर ले। हम शीघ्र अति शीघ्र राजमहल पहुंच जाना चाहते हैं। भोकाल, जरा दौड़ लगाकर हमारी इच्छा तो पूरी करो। जो आज्ञा रिसीवर। भोकाल ने दौड़ना आरंभ कर दिया। शाबाश, और तेज, घोड़े की तरह भागता भोकाल। प्रतिशोध की आग में झुलसते उस ऋषि को लेकर राज दरबार में पहुंचा। विकास नगर के राज दरबार में आपका परम शिष्य काल कुंडली आपका स्वागत करता है। रास्ते में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ गुरुदेव? जब भोकाल जैसा हट्टा कट्टा गधा हमारा बोझ उठाने को मौजूद था, तो फिर भला क्या कष्ट होता? वैसे हम इसे गधा कहने की जगह खच्चर कहे तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि यह एक मनुष्य को बोझ उठाकर गधे से तेज और घोड़े से धीरे भागता है। अपमान के बाणों से छलनी किए दे रहा था वह भोकाल को, लेकिन फिर भी चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी थी वचन के पक्के उस महाबली ने। ठीक इसके विपरीत राज दरबार में बैठा हर राजदरबारी स्तब्ध था। विकास नगर के राजा के सामने जुबान खोलता भी तो कौन? अपमान के बाणों की बौछार अभी भी जारी थी। हमने आसन तो ग्रहण कर लिया पुत्र काल कुंडली, परंतु हमारे खड़ाऊ तो राज दरबार के बाहर ही पड़े रह गए। उनकी आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं अभी उन्हें यहां मंगाता हूं। तुरंत ही भोकाल की तरफ पलटा काल कुंडली। गुरुदेव की खड़ाऊ राज दरबार के बाहर पड़ी है भोकाल, उन्हें उठाकर ले आओ पूरे सम्मान के साथ। जो आज्ञा महाराज। अपमान के उस घूंट को भी हंसते हंसते पी गया भोकाल। विश्व के श्रेष्ठ महाबली के हाथों खड़ाऊ ग्रहण कीजिए गुरुदेव, और दासियों को अपने चरण धोने का अवसर दीजिए। हमारे चरणों को साफ करना अत्यंत सौभाग्य की बात है, और हम चाहते हैं कि यह सौभाग्य दासियों को नहीं महाबली भोकाल को प्राप्त हो। आपने ठीक कहा गुरुदेव, आपके चरणों को साफ करने का सौभाग्य भोकाल को ही प्राप्त होना चाहिए, और इस सौभाग्य का पुण्य तो उस समय और भी बढ़ जाएगा जब भोकाल आपके चरणों को अपनी जिह्वा से साफ करेगा। सभी के लिए विस्फोटक थी काल कुंडली की वह घोषणा। लेकिन भोकाल अभी भी शांत खड़ा था। आगे बढ़ो भोकाल, और विकास नगर के महाराज का आदेश का पालन करो। सन्नाटा छा गया पूरे राज दरबार में। सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न हथौड़े की तरह बजने लगा कि घोर अपमान से भरे इस आदेश का भोकाल पालन करेगा या नहीं। एक क्षण बाद ही भोकाल की पदचापों ने राज दरबार के सन्नाटे और दरबारियों के प्रश्नों के बांध को तोड़ा। ठक ठक, और भोकाल की पच्चाप इस बात का संकेत थी कि वह ऋषि योगेश्वर के चरणों को अपनी जिह्वा से साफ करने चल पड़ा था, और यह उसके भाग्य में लिखे अपमान योग की पराकाष्ठा थी। लेकिन इस पराकाष्ठा को सहन नहीं कर सका विकास नगर का सेनापति। रुक जाओ भोकाल, राज सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति के हाथों विवश होकर तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु हमारा राष्ट्रनायक किसी के चरणों को अपनी जिह्वा से साफ करने जैसा यह कार्य करे, हमें यह कदापि स्वीकार नहीं। सेनापति जी सही कह रहे हैं, हम अब अपने नायक का और अपमान होता नहीं देख सकते। महामंत्री सेनापति के स्वर में बोल उठा था, और फिर बोल उठा था वहां उपस्थित हर व्यक्ति, हम अपने नायक को अपमानित नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। निश्चय ही भोकाल के पुण्य योग अत्यधिक प्रबल थे, तभी तो
उनके आगे अपमान योग हार गया था। लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था वह धरती का विधाता। मूर्ख हो तुम सब जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपने पदों को संकट में डाल रहे हो जो इस संसार में मात्र कुछ क्षणों का ही और मेहमान है, क्योंकि कुछ क्षणों पश्चात ही पूरा हो रहा है इसके भाग्य में मेरे द्वारा लिखा मृत्यु योग। क्रोध से कांपते काल कुंडली ने अभी अपनी बात समाप्त ही की थी कि वहां फैल गई एक चमकदार रोशनी और प्रकट हुए साक्षात यमराज। इस घड़ी में तुम्हारा मृत्यु योग लिखा है भोकाल, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। यमराज ने ही उछाल फेंका अपना मृत्यु पास, जो तुरंत ही भोकाल की आत्मा को जकड़ता चला गया। आ! भोकाल की आत्मा धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। इसी के साथ काल कुंडली के हलक से उबलता ठाका तेज होता जा रहा था। हा हा हा, देखा मूर्खो, जो मृत्यु योग मैंने भोकाल के भाग्य में लिखा था वह तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। तुम्हारा महाबली, तुम्हारा राष्ट्रनायक तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहा है। हा हा हा, इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है काल कुंडली। तू भी भोकाल की तरह ही तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागने वाला है, क्योंकि तेरी कुंडली में भी साफ लिखा है कि जिस समय भोकाल की मृत्यु होगी उसी के साथ तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगा। आश्चर्य है, सारे संसार की कुंडली देखने वाला धरती का विधाता अपनी कुंडली ना देख सका और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये मुझसे कैसी भूल हो गई। अब यमराज भोकाल के प्राण हरने के पश्चात मेरे प्राण हरने को पलटेंगे। अपनी कुंडली को देखकर उसे पढ़ूं और उसके योग बदल सकूं, इतना समय नहीं है मेरे पास। अब मैं स्वयं को मरने से किसी भी दशा में नहीं बचा पाऊंगा। मौत के भय ने काला कर दिया था काल कुंडली का चेहरा। अचानक एक विस्फोट हुआ उसके मस्तिष्क में। आह, मेरी मृत्यु भोकाल के साथ ही निहित है। अगर भोकाल बच जाए तो मैं भी बच सकता हूं, और भोकाल को बचाना मेरे लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं। इसके लिए मुझे मात्र एक क्षण चाहिए। एक क्षण में ही मैं उस मृत्यु योग को हटा दूंगा जिसे मैंने भोकाल की कुंडली में लिखा था। काल कुंडली के हाथ और दिमाग तेजी से काम कर रहे थे। अंततः, रुक जाइए धर्मदेव, आप भोकाल की आत्मा को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में अभी दीर्घायु का योग लिखा है। आ! काल कुंडली की विद्या ने रोक लिए यमराज के हाथ। होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लेकर वापस लौटे यमराज। बहुत चतुर हो काल कुंडली, भोकाल की कुंडली में दीर्घायु योग लिखकर तुमने अपने प्राण बचा लिए। भोकाल का जीवन बचाना मेरी व्यवस्था है, परंतु मैं अपने हाथों से इसके जीवन को मृत्यु से बदतर बना दूंगा, और ये मेरा विरोध नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं विकास नगर का राजा हूं। तलवार लेकर भोकाल की तरफ पलटा झपटा काल कुंडली, लेकिन वह भोकाल का कोई अहित कर पाता उससे पहले ही ठहरो, काल कुंडली के पैरों से बेड़िया बनकर लिपट गई वह आवाज जो रानी मोहिनी के कंठ से गूंजी थी। हमारी अनुपस्थिति में तुम कार्यवाहक राजा थे काल कुंडली, अब हम आ गए हैं, इसलिए अब तुम साधारण नागरिक के सिवा कुछ नहीं। स्थिति इतनी तेजी से पलटा खाएगी ये काल कुंडली ने नहीं सोचा था, और ना ये सोचा था कि उसे भोकाल के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने भोकाल को अपमानित करके अपने गुरु के चरणों में झुका दिया तो यह तुम्हारी भूल है। भोकाल अगर झुका था तो मात्र विकास नगर के राज सिंहासन के सम्मान में। भोकाल ने अगर अपमान सहा था तो मात्र इसलिए कि उसकी कर्म भूमि का मान रहे, परंतु अब ना तो तुम राज सिंहासन से जुड़े हो काल कुंडली, और ना तुम्हारा अहित करने से मेरी कर्म भूमि का मान जाएगा। इसलिए तुम्हारा और तुम्हारे गुरुदेव का भला इसी में है कि तुम राजमहल से निकल जाओ।
मेरे क्रोध का कहर तुम पर टूट पड़े उससे पहले ही। भोकाल के उस रोध रूप ने काल कुंडली और योगेश्वर को कपा डाला। सिर पर पांव रखकर राजमहल से भागते नजर आए दोनों। ऋषि को दंड देना अगर पाप ना होता तो इन दोनों की कुंडली से मैं अपनी तलवार से मौत लिख देता। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।